हाय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा पूजा आ रहा है और नवरात्रि भी बेसिकली दोनों एक साथ ही स्टार्ट होता है, तो उससे पहले अपना स्किन का केयर तो बहुत अच्छे से करना होगा ताकि दुर्गा पूजा और नवरात्रि में सब आपको ही देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फेस क्लीन करना ज़रूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लम का ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश। ये एक बहुत ही जेंटल क्लींजर है, ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है और आपके फेस से एक्सेसिव ऑयल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। आप बेसन या ग्राम फ्लावर को भी एज अ क्लींजर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं स्टीम ले रही हूँ, इससे स्किन के जो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे और इजीली क्लीन कर सकेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, ये है एवरयूथ नेचुरल वॉलनट स्क्रब। ये मेरे स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करता है, पोर्स को भी क्लीन करता है। आपको ऐसा नहीं है कि यही स्क्रब यूज़ करना होगा, आप कोई भी किसी भी ब्रांड का कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे ब्लैक हेड रिमूवर स्टिक की हेल्प से अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करूँगी। ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नोज स्ट्रिप्स का भी हेल्प ले सकते हैं। देन मैं टिश्यू की हेल्प से नोज को क्लीन कर लूँगी। देन मैं फेशियल लेज़र की हेल्प से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर लूँगी। बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना, नहीं तो आप हर्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने टी जोन एरिया पे फुलर्स अर्थ मतलब मुल्तानी मिट्टी को अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप किसी भी ब्रांड का या लोकल मार्केट का मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ऑयली या नॉर्मल स्किन है तो आप मुल्तानी मिट्टी को पानी या टोनर के साथ मिक्स करके अप्लाई करें। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी को हनी के साथ मिक्स करके अपने स्किन पे अप्लाई करें। नेक्स्ट मैं पूरे फेस पे बायोटिक बायोफ्रूट वाइटनिंग डीपिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का टैन रिमूवल फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो बेसन और हल्दी को मिक्स करके भी आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देन मैं एक वेट टॉवल की हेल्प से इसको रिमूव कर लूँगी। आप नॉर्मल वाटर की हेल्प से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। देन मैं
बाल्ब गुडनेस की टी ट्री टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे अल्प्स गुडनेस की सैंडलवुड फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा जेल को भी एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। लिप मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये था मेरा स्किन केयर टिप्स फॉर यू बिफोर दुर्गा पूजा या नवरात्रि। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। ऑल्सो मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को क्लिक करके जाना ताकि मेरी अगली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलते रहे। आई विल सी माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय। आई लव यू ऑल।